भावना, एक बहुत जरूरी बात कही है आपसे। हाँ हाँ बोलो। बात यह है कि वो, अरे वैसे भी आप लड़कियाँ, हम लड़कों के बिना कौन सा तीर मार लेंगे अकेले? अच्छा, तीर मारे या ना मारे, लेकिन आप लड़कों को घायल तो हम लड़कियां ही करती हैं। भाई दर्द देने के सिवा और आता ही क्या आप लड़कियों को? हम आपको वही वापस लौटाते हैं जो आप हमें देते हैं। आप हमें मकान देते हैं, हम उसे घर बना देते हैं। आप हमें चंद रिश्तों के नाम देते हैं, हम उसे प्यार की माला में पिरो के परिवार बना देते हैं। भाई इसका तो साफ साफ ये मतलब हुआ कि हमारे बिना आप कुछ नहीं। तो हम लड़कियों के बिना भी आप लड़कों की क्या औकात है? सही कहा बबीता रानी। सही। तो फिर ठीक है भाई, हो जाए मुकाबला। हाँ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या पता इस बार लड़कों के रोने की बारी आ जाए। ऐसा क्या? ऐसा ही है। तू डाल डाल, मैं पात पात। अब देखो, लड़के और लड़कियों की लड़ाई में कौन श्रेष्ठ है ये तो स्वयं ब्रह्म देवता भी नहीं बता पाएंगे। तो फिर लड़ाई कैसी? इसका तो बस एक ही उपाय है, दो दो हाथ हो जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़ लेते हैं। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। जो हारेगा वो जीतने वाले के सामने कान पकड़ के माफी मांगेगा। तो बोलो, मंजूर है ना सबको? मंजूर मंजूर है। नहीं दिल की है बात, कोई मिशन नहीं। एक बारी प्यार का जो बल्ब जला, ऑफ करने का कोई बटन नहीं। बल्ब जला तो मूड बदल गया। ये तो सरासर चीटिंग है भाई। है? ये डांस कहाँ है? ये तो फुल रायता फैला दिया आपने। ऐसे कैसे तुम लोग जीत गए? हम जीते हैं, तुमने चीटिंग करी है। नहीं नहीं, तुमने चीटिंग करी है। बस बस, कितना चिल्ला रहे हो तुम लोग? इतना चिल्लाने से तो अच्छा है सत्तू और परी दोनों का मुकाबला कर देते हैं। दोनों में से जो पार्टी जीतेगी फैसला अपने आप हो जाएगा। क्यों? लगे तेरी होली मैं, तू मेरा। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। मन के धागे, धागे, धागे।
फर्श काफी कितना था तो हमारा पैसे फैल। अरे वाह जमाई बाबू, गृहस्थ जीवन के पहले पड़ाव पे ही आप फिसल गए। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। दोनों लड़की वाले और लड़के वालों, एक से बढ़कर एक, पर सत्तू का पाव फिसल गया। शायद फर्श कितना है इसलिए मेरी नजरों में जीत लड़की वालों की हुई है। और वो भी तीन बार। अब जैसा तय हुआ था कि लड़कों को कान पकड़ के लड़कियों से माफी मांगनी होगी, ये कहते हुए कि लड़कियां हर मामले में लड़कों से बेहतर है। लड़कियां हर मामले में लड़कों से बेहतर, लड़कियां हर मामले में लड़कों से बेहतर हैं। लड़कियां हर मामले में लड़कों से बेहतर, और परी जी हर मामले सत्तू से बेहतर। बड़ी देर लगा दी तूने, घर वालों के इलाज में कोई कमी ना रहने पाए। कोई कमी नहीं होगी साहब, पर इलाज के लिए दवाई और बहुत सारा खर्चा लगता है साहब। ये रही दवा, ये रहे पैसे, अच्छे से खातिरदारी करना, खास करके घर वालों की। चाचू अपना नाम ढूंढिए चाची के मेहंदी लगे हाथों पे। अब देखिए हमारे 20 गिनने तक अगर आप अपने नाम का अक्षर ढूंढ पाए तो सही, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो लड़के वालों को लड़की वालों को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, वो भी नगद। अरे पैसे देने की तो नौबत ही नहीं आएगी, हमारे सत्तू भैया कोई हारने वालों में से थोड़े ही हैं। और लड़की वालों आप चलो गिनती शुरू करो। गिनती शुरू करो। 10, 9, 8 चल चल भाई ढूंढ ढूंढ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये एक। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया हमें। विशाल नवाब आपके दोस्तों हार गए हैं, हमारी गिनती के बाद इन्होंने नाम ढूंढा। लड़की वाले शर्त जीते हैं, मतलब लड़की वाले ही जीते हैं। कमलेश बेटा लड़की वालों को 20,000 का शगुन दे दो। अरे 20,000
अरे जी वैसे एक बात पूछे आपसे, आप हमें इशारे क्या कर रही थी? वो क्या है ना सत्तू जी, हमें आपको इशारे करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इस बुद्धू राम से आपका 7 जन्मों का नाता जुड़ गया है। हेलो, काम हो गया साहब। बस थोड़ी देर और फिर सब चैन की बंसी बजा रहे होंगे। अरे खाने के बाद अचानक सर इतना भारी कैसे हो गया? शादी का घर है और इतनी जल्दी सब सोने चले गए, थक गए होंगे। पर भावना अब तक जाग रही होगी, यही सही वक्त है उससे बात करने का। अरे वाह, मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा आया है। रात भर रहेगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। पता है परी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस लड़की के हाथों में मेहंदी का रंग रचता हो उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। सत्तू, परी से मिलने के लिए नए नए बहाने बनाकर कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। जा जाके अपने कमरे में सो जा। कल शादी है तेरी सत्तू। मासा, हम परी से नहीं आपसे बात करने आए। मासा, हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। उस दिन जब आप हमारे पास आई थी मस्ताना और परी की शादी की बात करने, हमसे माफी मांग, हमने बहुत रूखा बर्ताव किया। हमें नहीं करना चाहिए, हमें माफ कर दीजिए मासा। नहीं बेटा, तूने कोई रूखा बर्ताव नहीं किया मेरे साथ। ठेस लगी थी तेरे दिल में और बच्चे अपने माँ के सामने दुख जाहिर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सत्तू जी, जो बातें बीत गई हैं उन्हें करने का क्या फायदा? आप सही कह रही हैं परी, लेकिन कुछ रह गया, कुछ सुनना रह गया था, कुछ बोलना रह गया था, जिसके लिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। ये बताने के लिए कि अब हमारे मन में कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई दुख नहीं। हमारा भी यकीन मानिए, हमें भी कोई शिकायत नहीं है किसी से। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, सदा खुश रहो। जुग जुग जियो। कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों, भगवान करे इन्हें किसी की नजर ना लगे। इन्हें पूरी नजर से बचाना। अब इस वक्त भावना को जगाना ठीक नहीं होगा।
कल हम सब कुछ सच सच बता देंगे। लगता है दवाई ने अपना सब दिखा दिया। सब चारों खाने चित, होशियार शिवपाल, होशियार। इस घर की औरतों में बड़ा फरेब है। इनकी फरेबी नजरों से नजरें बचा के रहियो, बस जागते रहियो। आज अम्मा तुझे लोरी सुनाता हूँ। अम्मा तुम्हारा बेटा होने के नाते इतना फर्ज तो अदा कर ही सकता हूँ ना। आजा रे निंदिया चुपके से आजा। आज की रात बड़ी लंबी रात है। नींद की आगोश में ये सारे सो रहे हैं। शिवपाल, बेचारे को ये भी नहीं पता कि ये रात कितनी जहरीली है। सबको डस लेगी। अब इस विष का पान तुझे करना होगा भावना, करना होगा। अम्मा, सर दर्द की कोई दवा है क्या आपके पास? पता नहीं क्यों हमारा सर आज भारी भारी लग रहा है। हमारा भी सर दर्द हो रहा है, लगता है कल की थकान की वजह से हो गया। नींबू पानी मंगवाते हैं, थोड़ा हल्का महसूस होगा। हमें तुझसे कुछ जरूरी बात कहनी। हाँ अम्मा, आप कल भी कुछ कहना चाहती थी मुझसे, बोलिए ना क्या बात। अब वर के माता पिता मंडप में आ जाइए। आइए ना। वर के पिता को भी बुलाइए। पंडित जी, हमारे मां और पिता दोनों यही। कौन है आप? आपको पता भी है यहाँ कौन बैठ सकता है? खूब पता है। पेड़ की किस टहनी पर कौन सा फल उगा है ये पेड़ बहुत अच्छे से जानता है। एक बेटे को उसकी शादी के मौके पर उसके पिता उसे आशीर्वाद देने आए। हाँ, ये बात और है कि उस बेटे को ये नहीं पता कि उसके पिता मरे नहीं, जिंदा है। ये क्या नाम सुना बैठे जा रहे हैं आप? हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ है। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं जिंदा हूँ। अगर मैं मर गया होता तो दोबारा तुम्हारे सामने कैसे आता? हाँ, सच तो यही है कि तुम मेरे बेटे हो।
लेकिन इस सच से बड़ा एक और सच है, जानना चाहोगे? पूरी जिंदगी इन्हें तुम अपनी माँ सब मानते आए हो ना? पूछो इनसे, क्या ये सच में तुम्हारी माँ है?